नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग अर्थव्यवस्था पर क्रम से जो है एक एक लेक्चर ले रहे हैं। और इसी क्रम में जो है औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो हम लोग आज के इस लेक्चर में दूसरे जो है टॉपिक को जो कवर करेंगे, जो कि 1991 से भारत की औद्योगिक नीति के रूप में जो प्रारंभ होती है। इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद से लेकर के 1948, 56, 77, 80 के अंतर्गत जो है औद्योगिक नीति के जो है पहले चरण को जो है देखा था। क्योंकि 1991 के बाद जो है औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन किए गए और वो परिवर्तन का काफी कुछ कारण था, तो इसलिए जो है हम लोगों ने इसको एक अलग लेक्चर में जो कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि चीजें बहुत ही स्पष्ट हो सके और क्लियर हो सके। 1991 की थोड़ी सी परिस्थितियों को अगर समझा जाए तो इस तरीके से है कि चूंकि उस वक्त जो है USSR, अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तभी हम इस जो औद्योगिक नीति को जो है बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो वैश्विक स्तर की वैचारिक परिस्थितियां थी वो परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। शीत युद्ध उसके पूर्व में चल रहा था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति यानी कि 1945 के बाद से लेकर 1991 के बीच में शीत युद्ध चला, जो कि दो विचारधाराओं के बीच में या दो खेमों के बीच में जो है आपसी और वैचारिक स्तर की जो है मतभेद और युद्ध था। इसमें USSR और यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था, और दूसरी तरफ जो है वह पूंजीवादी व्यवस्था थी जिसका नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। इन दोनों ही यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में जो है एक वैचारिक स्तर का जो मतभेद था। तो 1991 आते आते जो है समाजवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है अपने प्रासंगिकता को जो उस स्तर पर बनाए रखने में जो सफल नहीं रही जैसा कि वो चाह रही थी, और पूरी दुनिया में जो है वो पूंजीवादी विचारधाराएं जो है वो आगे बढ़ रही थी। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लोगों को जो स्वतंत्रता दी गई थी कि वो अपने अनुसार जो है वो आर्थिक गतिविधियों को संचालित करें, देश समाज के विकास में अपना योगदान दें, तो वो विचारधारा जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन समाजवादी विचारधाराओं में काफी कुछ नियंत्रण होता है, ऐसी स्थिति में ये विचारधाराएं उतनी तीव्र गति से जो विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई। और इन्हीं के चलते हुए जो है इनमें कुछ देशों के द्वारा समय समय पर विरोध भी किया जाता रहा, और 1991 में कोलैप्स हो गया USSR यानी कि जो है सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, USSR यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक का जो है विघटन हो गया। और ऐसी स्थिति में जो है भारत के समक्ष ये समस्याएं आई कि वह भी अपने वैचारिक स्तर पर जो है जो भी विदेश नीति है और जो आर्थिक रणनीतियां हैं उसमें भी कुछ परिवर्तन करें। क्योंकि भारत के समक्ष भी ये समस्याएं थी कि लोगों की यानी कि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा थी, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए कुछ आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया जाए। तो इसी कारण से 1991 से अगर देखा जाए तो भारत में औद्योगिक क्षेत्र में भी व्यापक स्तर पर परिवर्तन किए गए। और चूंकि 1991 की जो औद्योगिक नीति थी वो 1991 की आर्थिक नीतियों पर आधारित थी। आर्थिक नीति एक व्यापक नीति होती है, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, निर्यात के क्षेत्र में, इन सभी प्रकार के जो क्षेत्रों में नीतियां होती हैं उसको मिला के आर्थिक नीति कहा जाता है। और उन्हीं में से एक नीति जो है आपका वो औद्योगिक नीति भी है। तो चूंकि यह औद्योगिक नीति 1991 में अपनाई गई जो है वो नई आर्थिक नीति पर आधारित थी, और नई आर्थिक नीति में जो है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की बात कही जाती थी, तो इन्हीं पृष्ठभूमि में जो है यह औद्योगिक नीति प्रारंभ की गई। इसीलिए 1991 की औद्योगिक नीति को नई औद्योगिक नीति भी कहा जाता है। जैसे वहां पे आर्थिक नीतियों को नई आर्थिक नीति, वैसे औद्योगिक नीतियों को जो है यहाँ पे नई औद्योगिक नीति भी आप कह सकते हैं या कहा जाता है। इन्हीं बातों की पृष्ठभूमि में हम लोग जो है उद्योग की व्यवस्थाओं को देखने का प्रयास करेंगे। अब यह समझना है कि 1991 से औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन करने की जो बात कही गई, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे उनकी परिभाषाएं बनाई गई, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्योग जो थे उनको अत्यंत सीमित किया गया, और ज्यादातर सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया, ताकि वहां पे जो है उनके उद्यम प्रबंधन पूंजी क्षमता का जो है उपयोग किया जा सके। तो एक एक करके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे जो है समझेंगे कि किस तरीके से इसमें परिवर्तन किया गया। सबसे पहले लाइसेंसिंग नीति को हम लोग देख लेते हैं। लाइसेंसिंग नीति भारत में जो मूलतः लाइसेंसिंग नीति जो थी वो 1951 ईस्वी की जो है औद्योगिक विकास अधिनियम के अंतर्गत जो बनाया गया था। लाइसेंसिंग नीति इसलिए बनाई गई थी ताकि निजी क्षेत्र के उद्योगों का जो है अवांछनीय प्रभाव न बन सके, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है यह नीति बनाई गई।
भाई अगर ये माना जाए कि किसी देश में जो है किसी उद्योग या किसी भी प्रकार के जो है प्रोडक्ट्स की आइटम की जो उत्पादन करने की कुछ निश्चित ही कंपनियां हैं और वो अगर अपने स्तर पर जो हावी हो जाती हैं और अपने स्तर पर नीति बनाने लगती हैं तो वो वहां पर कहीं पर कहीं उपभोक्ता का हित जो है वो प्रभावित होता है। तो इन सभी बातों के लिए लेकर के जो है ये चीज बनाई गई कि इसमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता कर दी गई कि निजी क्षेत्र के लिमिटेशन हो गए, सभी क्षेत्रों में नहीं जा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है परिवर्तन जो है किया जाने लगा और आकर के 1991 ईस्वी में जो इसमें व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया गया और कुछ निश्चित ही जो है उद्योगों को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के लाइसेंस की नीति को जो है समाप्त कर दिया गया। केवल 5 ऐसे क्षेत्र थे जिनके लिए जो है लाइसेंस नीति जो है बनाई गई, यद्यपि इसकी भी जो संख्या समय समय पर बदलने का प्रयास किया जाता रहा। 5 क्षेत्र 1991 की नीति पढ़ रहे हैं इसलिए हम वहां पे इस चीज को देखेंगे। 5 क्षेत्रों में जो है लाइसेंस को 1991 की नई औद्योगिक नीति में जो है बनाए रखा गया। इसमें जो है माचिस उद्योग है, विनिर्मित तंबाकू, एक तो तंबाकू की जो है जैसे गांजा तंबाकू कहीं पर भी उग जाए जैसे प्राकृतिक स्थिति में तो वो नहीं कहा जा सकता कि विनिर्मित तंबाकू, जब उस पौधे से जो है उसकी पत्तियों को जो है निकाल करके उसमें कुछ जो है केमिकल या जो भी चीजें उसमें यूज की जा सकती हैं जो है स्पाइसेस कुछ हो करके और वो नए जो है ब्रांड के रूप में जो बना करके जो बिक्री के लिए मार्केट में आती है तो वो विनिर्मित कहलाती है और ये सामान्यतः उद्योगों के माध्यम से हो सकता है। इसलिए विनिर्मित यानी कि मैन्युफैक्चर्ड टोबैको पर जो है बात की गई कि इस पे जो है लाइसेंस लेना जो है कंपल्सरी किया गया। दूसरा जो है वो अल्कोहल, खतरनाक रसायन और एयरोस्पेस यानी कि अल्कोहल इसके बाद जो है रसायन, खतरनाक रसायन शब्दों का भी अपना मतलब है, खतरनाक रसायन और जो है एयरोस्पेस यानी कि अंतरिक्ष क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र थे, 5 क्षेत्र थे जो है जहां पर लाइसेंस को आवश्यक बनाया गया, बाकी सभी क्षेत्रों में लाइसेंस को जो समाप्त कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई उद्योग या कोई काम अगर प्रारंभ करना हो और वहां पर जो है हमें हर खिड़की हर विंडो पर काम करने के लिए जाना पड़े तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ न कुछ जो है बाध्यताएं होती हैं, कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ न कुछ जटिलताएं होती हैं जिससे हम आर्थिक गतिविधियों को आसानी से नहीं चला पाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस को समाप्त किया गया यानी कि आर्थिक और औद्योगिक कार्यप्रणाली और गतिविधियों को आसान बनाया गया लाइसेंस को जो है समाप्त करके। इन क्षेत्रों में इसलिए लाइसेंस बनाया गया क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र थे, इससे जो है जनहित को जो है नुकसान हो सकता था। तो इन सभी बातों को लेकर के जो इन क्षेत्रों में लाइसेंसिंग की जो व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो ये थी जो है लाइसेंसिंग व्यवस्था। दूसरा हम लोग देखेंगे जो सार्वजनिक उद्योग, एक जो लाइसेंसिंग हो गया, दूसरा जो है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योगों की जो है पुनः परिभाषा दी गई और इन उद्योगों की संख्या को सीमित की गई। सार्वजनिक उद्योग भाई औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है सार्वजनिक उद्योग सबसे महत्वपूर्ण जो है सेक्टर था। सार्वजनिक उद्योग की पुनः परिभाषा इसकी दी गई और जो है इसकी संख्या को जो है अत्यंत सीमित किया गया। अब संख्या सीमित करने का मतलब कि कुछ ऐसे उद्योग थे जो पहले ये व्यवस्था बनाई गई थी कि वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही हो सकते हैं, तो ऐसे उद्योगों की संख्या को अत्यंत ही सीमित कर दिया गया। अब इसमें जो है ऐसे उद्योगों को जो है इसके अंतर्गत 2 उद्योग जो है लाए गए, एक तो जो है परमाणु ऊर्जा है और दूसरा जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो है सामग्री है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारी चीजें जो है उसके सामग्री हैं जो है और जिसका प्रयोग किया जाता है। तो केवल इन्हीं 2 क्षेत्रों में जो है वही सार्वजनिक क्षेत्र के रेलवे भी था लेकिन रेलवे के संदर्भ में भी बाद में जो नीति को परिवर्तित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के 2 ही बचते हैं, एक तो जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित सामग्री है और दूसरा जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, जैसे जो परमाणु ऊर्जा के जो है
बिजली घर होते हैं परमाणु ऊर्जा उत्पादन के, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत जो आती हैं। तो सार्वजनिक उद्योगों के रूप में जो है इसको परिभाषित करते हुए इसकी संख्या को पुनः किया गया। भाई पहले जो है अगर देखा जाए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, तो भारत में विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम जो है वो सार्वजनिक उद्योग ही था, और इस सार्वजनिक उद्योगों के माध्यम से जो है दूसरे में जो है हमने काफी कुछ जो है दूसरे पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक उद्योगों पर ही बल दिया था। पहले में कृषि पर दिया था, दूसरे में सार्वजनिक उद्योगों पर जो है बल दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और इसके माध्यम से हम लोग जो विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन 1991 तक आते आते जो इसमें काफी कुछ समस्याएं आ गई। अब समस्याएं इस रूप में आ गई कि इसमें घाटा होना शुरू हो गया। अब कोई भी उद्योग कैसे चलाया जा सकता है जब उसमें घाटा हो? घाटा होने के कई कारण थे, जैसे प्रबंधन क्षमता का जो अभाव था, मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, प्रबंधन क्षमता का इसमें जो है अभाव हो गया। राजनीतिक स्तर पर इसमें हस्तक्षेप होने लगा, श्रमिकों की या कर्मचारियों की संख्या अधिक हो गई, उन कर्मचारियों का जो है सही तरीके से जो है दोहन नहीं हो पा रहा था, लाल फीताशाही, नौकरशाही इत्यादि की काफी कुछ समस्याएं इसमें जो जकड़ ली थी, जो कि सरकारी व्यवस्था के रूप में जानी जाती थी। तो इस कारण से जो इसमें घाटा उत्पन्न हो गया, इस घाटा के चलते हुए इसकी नीतियों में जो ये व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया गया। ये भी एक सवाल अगर पूछ लिया जाए कि भाई अगर स्वतंत्रता के बाद से जो है सरकार सार्वजनिक उद्योगों के माध्यम से जो विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर रही, तो ऐसी क्या समस्याएं हो गई जिससे कि इस नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ गई? तो आपको यही बताना है कि इसके लिए जो यही जरूरी था कि उसमें घाटा होने लगा, और प्रबंधन क्षमता, उनका दोहन, नौकरशाही, लाल फीताशाही, सारी चीजें जो समस्या उसमें विद्यमान व्याप्त हो गई, इसलिए इस नीति में जो इसमें परिवर्तन किया गया। और इसके अंतर्गत काफी कुछ चीजें जो है परिवर्तित की गई जो है, जैसे वर्गीकरण को जो है समाप्त कर दिया गया। 1956 के जो है औद्योगिक नीति के अंतर्गत, जब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था 1956 के औद्योगिक नीति के अंतर्गत इसमें जो है उद्योगों का वर्गीकरण जो है किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र के, संयुक्त क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के, तो यहाँ पे उस वर्गीकरण को जो समाप्त कर दिया गया, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में चलते रहे, और सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है वही उद्योगों की संख्या जो सीमित कर दी गई। ये दो प्रकार के जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित, तो परमाणु ऊर्जा जो सामग्री से रेलवे के क्षेत्र में थी, तो उसमें जो है बाद में जो परिवर्तन भी जो है किया गया। और इसमें जो है MOU, अब ये था जो है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। तो जो ऐसे उद्योग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे थे, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही हो, अगर वो उनका निष्पादन बेहतर था, परफॉर्मेंस बेहतर था, तो उनको कुछ छूट दी गई, और ये कहा गया कि आपको जो है कुछ लिबरल पॉलिसी को अपनाने के लिए जो है मौका दिया जाएगा, और आपको स्वायत्तता कुछ क्षेत्रों में दी जाएगी, और इन्हीं के चलते हुए जो है ये समझौता किया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो ये भी कहीं ना कहीं नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत भी आई गई थी। और इसमें एक था श्रेणियां, उद्योगों की जो है सार्वजनिक क्षेत्र के, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के ही उद्योगों की श्रेणियां जो है बनाई गई, जैसे नवरत्न थी, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड, और इसके बाद में महारत्न का भी एक दर्जा जो है दिया गया। तो नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को उनके बेहतर निष्पादन के आधार पर जो है कुछ श्रेणियां प्रदान की जाने लगी। इन्हीं श्रेणियों के अंतर्गत जो है नवरत्न इसमें जो है मिनी रत्न फर्स्ट और सेकंड तथा महारत्न। नवरत्न की जो है घोषणा 1997 ईस्वी में जो है किया गया था, और महारत्न की जो है नीति जो है वो 2009 ईस्वी में जो प्रारंभ की गई। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना जो है आवश्यक है। 1997 ईस्वी से नवरत्न और महारत्न की जो क्षेत्र में 2009 से दर्जा दिया जाने लगा। ये बेहतर प्रदर्शन के आधार पर जो है दिया जाने लगा, और जिससे इनको कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता मिल सके, जैसे निवेश इत्यादि के क्षेत्र में थी। तो इन नवरत्न के द्वारा जो है 1,000 करोड़ रुपए, इनके द्वारा जो 5,000 करोड़ रुपए के क्षेत्र में, और इनके द्वारा जो 500, और इन्हें जो है वो 150 करोड़ रुपए तक के क्षेत्र में जो है निवेश की स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, जिससे यह जो है अगर प्रदर्शन बेहतर कर रही है, तो अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी जो है उसके प्रदर्शन को और बेहतर कर पाने में जो है वो सफल हो सके। तो इन आधारों पर जो है इस तरीके का जो है दर्जा दिया जाना शुरू किया गया। अब ये ध्यान में रखना है कि महारत्न के लिए जो है कभी कभी मानक पूछा जाता है, जिसको समझ लेना आवश्यक है कि महारत्न किसी कंपनी को तभी दिया जा सकता है जब वह कंपनी
ऑलरेडी नवरत्न कंपनी हो, वह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो है संबद्ध हो, लिस्टेड कंपनी हो जो है सेबी के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत वो चल रही हो, और तीसरी बात यह है कि उसका जो कारोबार हो वो कारोबार जो है 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, उसका निबल मूल्य जो है वो 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए और उसका शुद्ध लाभ जो है वो 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। इनके आधारों पर जो है किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाएगा, और जब वो कंपनी महारत्न के क्षेत्र में आ जाती है तब उसे जो है 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए स्वायत्तता मिल जाती है। भारत में समय समय पर कंपनियों की संख्या हुई है, 9 से 10 कंपनियां महारत्न के क्षेत्र में आ चुकी हैं। इसमें NTPC, ONGC, सेल यानी कि सेल SAIL के नाम से उसको जाना जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके बाद CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भेल और गेल है, इसी तरीके से HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब कंपनियां जो है इसके अंतर्गत जो है आ गई हैं। तो इनके माध्यम से जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में जो बेहतर प्रदर्शन किया गया इनके द्वारा, तो इन्हीं आधारों पर इन्हें महारत्न का दर्जा दिया गया। महारत्न देने के पीछे की यही मंशा थी कि कंपनियां स्वयं जो है बेहतर प्रदर्शन करें, और अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस करती हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो है उन्हें इस प्रकार की जो छूट दिया जाना चाहिए, और सरकार इसके लिए जो है ये महारत्न के क्षेत्र में जो महारत्न की जो श्रेणी जो है 2009 से जो है प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। इन मिनी रत्न फर्स्ट और सेकंड के लिए भी था कि तीन क्षेत्रों में लगातार ये लाभ की स्थिति में हो, उद्योग लाभ की स्थिति में 3 साल में लगातार रहे हों, किसी साल इनका लाभ जो है मिनी रत्न फर्स्ट के लिए 30 करोड़ से ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 500 करोड़ रुपए या उनका जो निबल मूल्य है कंपनी उसके बराबर, दोनों में से जो कम होगा उसी को जो है उतना छूट मिल जाएगा। अगर 500 से ज्यादा निबल मूल्य है तो 500 और 500 से कम निबल मूल्य है तो जो कम मूल्य है वही दिया जाएगा। और ये इनके लिए मिनी रत्न सेकंड के लिए भी ये व्यवस्था है कि उन 3 साल तक लाभ की स्थिति में हो, उनका निबल मूल्य जो है वो सकारात्मक हो, तो जो है उन्हें 150 या निबल मूल्य के 50% के बराबर जो है स्वायत्तता प्रदान की जाती थी। तो ये जो है नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है परिवर्तन और बदलाव किया गया। इसके बाद जो निवेश नीति, भारत जो है एक विकासशील देश था और है भी, तो निवेश के लिए यहां पूंजी और तकनीक की कमी थी, ऐसी स्थिति में निवेश नीति को भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप में जो स्वीकार किया गया कि यदि कोई निवेश करता है तो पूंजी और तकनीक भी ले आता है, जिससे यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलता है, टैक्स के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर निवेश नीति को भी जो है अच्छे तरीके से समझा गया। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कि देश की सुरक्षा से संबंधित थे, राष्ट्रीय एकता अखंडता से संबंधित थे, उन्हीं क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में निवेश को जो खोल दिया गया। अब कहीं पर जो है 25%, कभी कभी 49%, कहीं कभी 74% तक भी निवेश भी समय समय पर उसकी सीमाएं बढ़ा दी गई जो है। तो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा, जुआ, सट्टेबाजी और लॉटरी, ये 3 क्षेत्र थे जो है परमाणु ऊर्जा, लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी, जुआ और सट्टेबाजी, परमाणु ऊर्जा, लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी, ये जो है 3 क्षेत्र थे। इन्हीं तीनों क्षेत्रों में जो है वो निवेश की नीति को जो है नियंत्रित किया, बाकी सभी क्षेत्रों को निवेश के लिए खोल दिया गया, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा जो है उद्योग धंधे और आर्थिक गतिविधियों की कार्य प्रणाली जो है प्रारंभ हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, टैक्सेशन के माध्यम से राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जाना संभव हो सके। तो ये थी जो है निवेश नीति के माध्यम से ये सारी चीजों को जो है यहाँ पे किया जाना प्रारंभ किया गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें जो औद्योगिक क्षेत्र की नीति थी, जिसमें जो हम लोगों ने सार्वजनिक उद्योग के बारे में जो है चर्चा किया, इसमें विनिवेश को भी जो प्रारंभ किया गया, यद्यप वो आगे की डेट में प्रारंभ किया गया लेकिन विनिवेश की भी बात वहां पर जो है आई थी। विनिवेश
उपनिवेश। अब विनिवेश का क्या तात्पर्य होता है? सरकार के द्वारा अपने सार्वजनिक उपक्रमों के अंश की बिक्री करना ही जो विनिवेश कहलाता है। अगर विनिवेश जो पूरे अंश की बिक्री कर दी जाती तो वो निजीकरण हो जाता है, यानी कि निजी क्षेत्र में बेच दिया गया। उसके कुछ अंशों को अगर बिक्री किया जाता है तो वो सीमित विनिवेश जो है कहलाता है। समय समय पर सरकार के द्वारा इसके बारे में निर्णय लिया जाता रहा कि ऐसे क्षेत्र जिसमें बहुत लाभ की स्थिति नहीं है वहां पर विनिवेश की नीति को जो अपनाई गई। अब विनिवेश के बारे में यह महत्वपूर्ण है कि विनिवेश किसके लिए किया जाता था, तो इसमें जो है किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी जो है कर्मचारी को भी किया जा सकता था, निजी क्षेत्र को भी किया जा सकता था, या किसी उद्योग को किया जा सकता, किसी व्यक्ति को किया जा सकता था। इन सभी क्षेत्रों में जो विनिवेश की गतिविधियां की गई और विनिवेश समिति भी बनाई गई थी 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में विनिवेश समिति भी बीजी रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिवेश समिति भी जो है बनाई गई थी, और इसके माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि किन क्षेत्रों में जो है विनिवेश किया जाना है, विनिवेश कैसे किया जाना है, विनिवेश कितना किया जाना है। इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करने और उस पर अपनी रिकमेंडेशन जो है देने के लिए या संस्तुति देने के लिए बीजी रामकृष्ण की अध्यक्षता में 1996 ईस्वी में विनिवेश समिति बनाई गई थी, और इस समिति के माध्यम से ये सारी चीजें निर्णय लिया जाने लगा। 2005 ईस्वी में आकर के विनिवेश कोष भी बनाया गया, और यह विनिवेश कोष ये ध्यान में रखना होगा कि यह संचित निधि का भाग नहीं था। जो भी विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से जो धनराशियां प्राप्त होती थी उन धनराशियों को जो है संचित किया जाता था वही विनिवेश कोष कहलाता था, जिसमें से 75% शिक्षा और स्वास्थ्य पर और जो 25% जो धनराशि वह रुग्ण उद्योग यानी कि जो घाटे में है या जिनमें सुधार किया जाना संभव है, सुधार करने के बाद कुछ नीतियों में परिवर्तन करने के बाद वो बेहतर कर सकते हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए जो है ये 25% पैसा रखा गया। ये विनिवेश कोष का जो है पार्टीशन होता था धनराशियों का। तो ये बातें जो है आप लोगों को समझ में आई होंगी कि विनिवेश जो है का क्या अर्थ है, विनिवेश किसको किया जाता है, विनिवेश कैसे किया जाता था। ये सारी चीजें विनिवेश से है, इससे संबंधित टिप्पणी भी कई बार जो परीक्षा में पूछ सकता है। तो 96 और 2005 की इसमें दो डेट है जिसमें विनिवेश समिति और विनिवेश कोष भी जो है स्थापित किया गया। तो ये जो है पॉलिसी जो है नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत भी जो है अपनाई गई। तो विनिवेश नीति एक तो ये हो गया, इसमें रुग्ण, अब रुग्ण इकाइयों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि चूंकि 1991 आते आते जो काफी उद्योगों में घाटा शुरू हो गया और जो बेहतर ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी जो है इकाइयां, उनके लिए जो है उनको रुग्ण इकाई का दर्जा दिया गया। इसमें जो है तिवारी समिति का 1985 ईस्वी में तिवारी समिति का भी जो है गठन किया गया, और उनके रिकमेंडेशन के आधार पर जो है सिका और BIFR यानी सिक इंडस्ट्रीज कंपनी एक्ट पारित किया गया 1985 ईस्वी में, और ये 87 ईस्वी में जो है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल एंड रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो औद्योगिक इकाइयों के लिए जो है औद्योगिक इकाइयों के संदर्भ में जो है सिका और BIFR की जो है का गठन किया गया, यानी कि सिक इंडस्ट्रीज कंपनी एक्ट रुग्ण औद्योगिक इकाई अधिनियम 1985 पारित किया गया, और 87 ईस्वी में जो है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की जो है औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों के जो है वित्तीय एवं पुनर्गठन के लिए जो एक बोर्ड बनाया गया जो 1987 ईस्वी से काम किया गया। ये दोनों ही कंपनियां तिवारी समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर बनाई गई। ये तब 2000 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया और निर्णय लिया गया 2002 ईस्वी में आकर के इसके स्थान पर जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT जो है बनाया गया, जो कि अब इसके द्वारा यही काम देखा जाने लगा। तो रुग्ण इकाइयों के संदर्भ में जो अगर पूछा जाए तो इस तरीके का प्रयास किया गया। रुग्ण औद्योगिक इकाई पर भी टिप्पणी अगर पूछ लेता है तो ये कहा जा सकता है कि भारत में औद्योगिकरण सार्वजनिक इकाइयों के माध्यम से जो है देखा गया, किया गया, और इसके माध्यम से विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। 1991 के आते आते जो है कई क्षेत्रों में घाटा होना शुरू किया गया, और जो औद्योगिक इकाइयां अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही थी जिसमें घाटा हो रहा था उन्हें रुग्ण औद्योगिक इकाई का दर्जा दिया गया, और इसके लिए तिवारी समिति का गठन किया जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर 1985 और 87 ईस्वी में जो है सिका और BIFR बनाया गया, बाद में इसे जो है
एलटी के माध्यम से जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो ये रुबड़ा औद्योगिक इकाइयों के संदर्भ में जो है चर्चा थी। अगली एक महत्वपूर्ण चीजें हैं एमआरटीपी एक्ट और दूसरा है जो है इसके स्थान पर सीसीआई। एमआरटीपी एक्ट और सीसीआई ये 1969 ईस्वी में एक्ट पारित किया गया। एमआरटीपी एक्ट एकाधिकारी एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम जिसे हिंदी में कहा जाता है ये 1969 ईस्वी में जो है ये पारित किया गया। क्या एमआरटीपी एक्ट? अब यह बेसिकली था कि एकाधिकार कंपनियों के एकाधिकार को रोकने के उद्देश्य से ये गतिविधियां 1969 ईस्वी में पारित की गई थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये महसूस किया गया कि हमें जो है एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है, तभी हम विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस एक्ट को जो है बाद में समाप्त किया गया। सन 2000 ईस्वी में निर्णय लिया गया और 2002 ईस्वी में जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया और यह जो है 2003 ईस्वी से काम करना प्रारंभ कर दिया गया। इसका मुख्य काम भारत में औद्योगिक क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माहौल को सृजित करना है, निवेशक और औद्योगिक गतिविधियों या उद्योगपतियों के जो हितों की रक्षा करना है। तो एमआरटीपी एक्ट में भी परिवर्तन किया गया जो कि एकाधिकारवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था 1969 ईस्वी में और जिसे 2002 ईस्वी में जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो ये थी जो है एमआरटीपी एक्ट के जो है बारे में परिवर्तन। ये सभी जो परिवर्तन थे वो नई औद्योगिक नीति 1991 की पृष्ठभूमि में ही जो है किए जा रहे थे। तो इसलिए हम 1991 की औद्योगिक नीति को इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत जो देखने का प्रयास करेंगे। एक और इसी में जो है देख लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है फेरा वर्सेस जो है फेमा। फेरा वर्सेस फेमा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 ईस्वी में पारित किया गया था और ये जो है फेमा 1999 ईस्वी में पारित किया गया। 2000 से काम करना प्रारंभ कर दिया यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट विदेशी विनिमय दर में जो है विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए जो है यह एक्ट पारित किया गया। किस तरीके से विदेशी विनिमय दर को जो है नियंत्रित किया जाएगा, किस तरीके से नियंत्रण होगा, उसमें क्या क्या जो है उसका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था दी जाएगी, ये जो है 73 के जो फेरा एक्ट में बनाया गया। लेकिन इसमें भी जो है जहां पर यह रेगुलेशन था वहां पर बाद में आकर के उसको मैनेजमेंट कर दिया गया यानी कि विदेशी विनिमय दर को व्यवस्थित करने के लिए प्रबंधित करने के उद्देश्य से इस नियम को अधिनियम को जो है बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि विदेशी पूंजी एवं निवेश के अंतर प्रवाह को बढ़ाना, निवेश या निर्यात को जो बढ़ावा देना और इसके साथ साथ जो है एक विदेशी विनिमय बाजार में जो है एक बेहतर माहौल को जो है क्रिएट करना, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम का था। तो रेगुलेशन के स्थान पर यहाँ पर मैनेजमेंट काम कर दिया गया और इसका उद्देश्य विदेशी निवेश एवं पूंजी के अंतर प्रवाह को बढ़ाने के साथ साथ निर्यात एवं विदेशी विनिमय बाजार में जो है एक स्वस्थ और एक व्यवस्थित रेगुलेटेड नियमित जो है व्यवस्था को जो बनाए रखना था। तो इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज परिवर्तन किया गया कि कोई दोषी व्यक्ति होता था तो पहले उस दोषी व्यक्ति का यह जो है दायित्व तो होता था कि वो अपने आप को दोष मुक्त करे, लेकिन बाद में यह व्यवस्था बनाई गई कि सरकार के द्वारा उसको दोष उसके ऊपर जो दोषारोपण किया गया उसे सिद्ध करे। तो इसमें व्यवस्था थोड़ी सी लिबरल बनाई गई। यहाँ पर पहले फौजदारी की तरह से मुकदमे चलते थे, बाद में दीवानी की तरह से, यानी कि कुल मिलाकर के नियमों को थोड़ा सा शिथिल किया गया ताकि एक स्वस्थ माहौल बन सके, एक जटिलता रहित माहौल बन सके और उद्योगपतियों के द्वारा यहाँ पर आकर के काम किया जा सके, औद्योगिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके। तो कुल मिलाकर के अगर आप इसमें देखेंगे तो लाइसेंसिंग नीति में परिवर्तन किया गया, सार्वजनिक उद्योगों के क्षेत्र में जो है परिवर्तन किया गया, सार्वजनिक उद्योगों के क्षेत्र में परिवर्तन किया गया जिसमें वर्गीकरण को समाप्त किया गया, एमओयू को प्रारंभ किया गया, विभिन्न प्रकार के जो है नवरत्न महारत्न के श्रेणी दर्जा दिया गया, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के संदर्भ में काम किया गया, निवेश नीति को जो है बनाया गया और अगला था निवेश नीति में परिवर्तन किया गया, फिर एमआरटीपी एक्ट में जो है परिवर्तन किया गया और उसको जो सीसीआई से चेंज किया गया, बाद में फेरा के स्थान पर फेमा लाया गया। यह कुल मिलाकर के नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन थे जिसका उद्देश्य बेसिकली औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियों को सरल करना है और इसके माध्यम से जो है
इसके माध्यम से आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ा करके विकास के उच्च लक्ष्य को जो प्राप्त करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस टॉपिक में आप लोगों को औद्योगिक नीति के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी विधिवत ढंग से हुई होगी। आप पिछले औद्योगिक नीति के लेक्चर को इस लेक्चर के साथ जोड़ करके देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो है तैयारी बेहतर दिशा में जो है आगे की तरफ जो बढ़ रही होगी। तो इसी तरीके से आगे के लेक्चर को आप लोग देखते रहिए और अगले लेक्चर में पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।